हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ आवर वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ फॉर क्लैट 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड इस वीडियो में हम मई लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, लीगल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके को डिस्कवर करेंगे और सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ली जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं। एंड हम वर्ड्स ऑफ द वीक्स की भी बात करेंगे। हमने इंस्टाग्राम पे एक क्विज शुरू की है, जिसमें हम करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो इंस्टाग्राम चैनल नॉलेज शावर पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ये क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। एंड जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए, सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28th, 29th, 30th and 31st मई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए हैं। दैट मीन्स ये आपकी लास्ट वीडियो है मई 2024 करंट अफेयर्स की। सो सबसे पहला ही आर्टिकल हम देखते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू मोदीज मैसूर विजिट। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 50th ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। सो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हमें जानना है। तो इफ आई टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, तो इट्स अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 1973 में। क्वेश्चन आ सकता है कब लॉन्च हुआ था। 1973 में लॉन्च हुआ था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट बाय क्रिएटिंग डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व। और इसके बाद ही डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व बनाए जाने लग गए। पहले डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व हमारे यहाँ नहीं थे। इंडिया में इस समय 54 टाइगर रिजर्व हैं और 54th टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एज पर 2022 टाइगर सेंसस, इंडिया में 3,167 टाइगर्स अभी प्रेजेंट में हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अ क्वेश्चन आयर ऑन 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। सो 9th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप जो जून 1 से शुरू हो चुका है, इसे को होस्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्ट इंडीज। एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। अगर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ओनली प्लेयर टू हैव वॉन 2 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप एज कैप्टन। तो डेरेन सैमी ओनली प्लेयर हैं जो 2 एडिशन में एज अ कैप्टन जीते हैं। सो वेस्ट इंडीज 2 T20 वर्ल्ड कप जीती है और इंग्लैंड भी 2 T20 वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन एज अ कैप्टन डेरेन सैमी ही ओनली कैप्टन हैं जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं। द प्लेयर टू हैव वॉन द कप एज विकेट कीपर कैप्टन, तो MS धोनी 2007 में पहला ही एडिशन जो T20 वर्ल्ड कप का हुआ था वो इंडिया जीता था, MS धोनी कैप्टन थे। एंड जॉस बटलर 2022 में। अब हम जब बात करते हैं T20 की, तो पहला टूर्नामेंट इसका 2007 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। एंड इस बार का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि 20 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस साल के T20 वर्ल्ड कप में, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, तो उसके बाद एक विजुअल क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा और शाकिबुल हसन में कॉमन क्या है। देखिए, ये दोनों ही प्लेयर जब से T20 एडिशन वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से ये दोनों ही प्लेयर खेल रहे हैं। दैट मीन्स इन दोनों ने प्लेयर्स ने 8 एडिशन खेले हैं T20 वर्ल्ड कप के और अब ये 9th एडिशन भी खेलने वाले हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ कॉमन। DRDO चेयरमैन गेट्स अ ईयर एक्सटेंशन। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि DRDO चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कामत। ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आर्टिकल है विच इज़ रिलेटेड टू हाउ टाइनी सेटेलाइट विल ट्रैक हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल। एक टाइनी सेटेलाइट है जो नासा ने बनाई है और ये जो सेटेलाइट है इट वॉज लॉन्च्ड बाय रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट फ्रॉम माहिया न्यूजीलैंड, यहाँ से लॉन्च की गई है। और ये शू बॉक्स साइज की एक सेटेलाइट है, एक क्यूब सेट आप कह सकते हैं, क्यूब सेटेलाइट है जो मेजर करेगी कि अंटार्कटिका एंड आर्कटिक से
क्या और कितना हीट लॉस हो रहा है। ये जो मिशन है इसका नाम है प्री फायर, दैट इज पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। एंड ये जो सैटेलाइट है इसको जॉइंटली डेवलप किया है नासा ने एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये टाइनी सैटेलाइट किसने मिलकर डेवलप किया है और इसका काम क्या होगा कि कितनी हीट लॉस हो रही है फ्रॉम आर्टिक एंड अंटार्कटिका। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू रशिया टू बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रशिया पहला न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करने वाला है सेंट्रल एशिया में और ये बिल्ड करेगा उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शेवकत, उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला एंड उज्बेकिस्तान की कैपिटल है उज्बेकिस्तानी सम्स। उज्बेकिस्तान कैपिटल इज ताशकंद। ताशकंद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ताशकंद डिक्लेरेशन, इट वॉज अ डिक्लेरेशन which was signed on January 10, 1966 और ये साइन हुआ था इंडिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद आयूब खान टू एंड वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक चली थी। अब ये ताशकंद डिक्लेरेशन थोड़ा हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डिक्लेरेशन को साइन करने के अगले ही दिन हमारे जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री उनकी डेथ भी हो गई थी। अब यहाँ पे एक एडिटोरियल था जो सीएसआर मूर्ति ने लिखा था और इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बुक ऑथर की है इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस इंटरप्ले ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। Now this image is important because it's a pair of Elhurst monkey जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क which is in विशाखापट्टनम। ये question पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, so it's in विशाखापट्टनम। वहाँ पे ये pair of Elhurst monkey आपको देखने को मिल रहे हैं and ये monkey युगांडा के हैं जिन्हें यहाँ पे recently rescue किया गया है from animal traffickers के द्वारा। Now next article is related to पाकिस्तानी PM ने अभी recently एक बयान दिया है कि पाकिस्तान violated 1999 agreement signed with India। अब ये 1999 agreement क्या था, देखिए ये बात कर रहे हैं लाहौर declaration की जो Feb 21 1999 में साइन किया गया था और इसका गोल था fostering peace and stability between India and Pakistan और ये साइन हुआ था between प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नवाज शरीफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज जिसमें एकल स्टोन ये बन गई हैं फास्टेस्ट टू रीच 100 विकेट्स इन वुमेन्स ओडीआई। एकल स्टोन दैट इज सोफी एकल स्टोन, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इंग्लैंड की प्लेयर है और ये सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली वुमेन ओडीआई में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं 64 मैचेस में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल। अग्निकुल ये इंडिया का एक स्पेस स्टार्टअप है और इसने वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है विच हैज फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। सो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है किसी रॉकेट में और वो लगाया गया है अग्निकुल के रॉकेट अग्निबाण में। सो अग्निकुल ने जो रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम है अग्निबाण, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर दैट इज SOR TED विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन और इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है अग्निबाण SOR TED की अगर हम बात करें तो इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम प्राइवेट लॉन्च पैड और जो प्राइवेट लॉन्च पैड है उसका नाम है धनुष। सो प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से अग्निबाण को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया है अग्निकुल ने। ये जो रॉकेट है अग्निबाण इसमें एक 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया है विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन जो किसी रॉकेट में यूज़ किया गया है। ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है विच इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिज़ाइन एंड बिल्ट। और इस स्टार्टअप को इसरो ने भी बधाई दी है। इसरो विच स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके चेयरमैन हैं S
सोमनाथ, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बात की गई है कि मेजर राधिका सेन जो एक इंडियन पीस कीपर है यूनाइटेड नेशन में जिन्हें डिप्लॉय किया गया था कॉन्गो में, इनको अवार्ड मिलता है द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 फॉर हर वर्क सपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 किसे मिला है. ये मिला है मेजर राधिका सेन को जिन्हें रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिप्लॉय किया गया था और ये अवार्ड उन्हें दिया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो प्रेजेंटली हैं एंटोनियो गुटेरेस. यूनाइटेड नेशन इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है जिसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गेन है आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है. नाउ कमिंग टू द वर्ड ऑफ द वीक, सबसे पहले डिफेस एंड ईफेस की हम बात करते हैं. डिफेस टू स्पॉयल द अपीयरेंस ऑफ, टू डिसफिगर. When you deface something, you spoil its external appearance. आप ये कह सकते हैं deface का मतलब ये है कि किसी का outer structure या शक्ल बिगाड़ना, this is deface. Whereas efface is to rub or wipe out. It means complete removal of something. The letters on the coin have been effaced through constant use. कि किसी चीज़ का किसी चीज़ को rub के wipe out कर देना. For example, आपका जो सिक्का है उसमें जो उभर के जो आपके निशान है मान लीजिए आप कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं तो वो रब आउट हो गया, खत्म हो गया. नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज, मेक चॉक ऑफ वन एंड चीज ऑफ अनदर. दैट मींस देखिए यहाँ पे चॉक का मतलब ये है कि समथिंग यूजलेस एंड चीज का मतलब है समथिंग ऑफ वैल्यू. मतलब यू ट्रीट टू थिंग्स और टू पर्सन अनइक्वली. जब आप दो चीज़ों को या दो पर्सन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं मेक चॉक ऑफ वन एंड चीज ऑफ अनदर. शी मेक्स चॉक ऑफ कृष्णा एंड चीज ऑफ राजू. डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड ये एक ही तरीके से यूज किया जाता है. वेयर एज जब हम ब्रिटेन इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ पर इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं. डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंफ्लुएंस्ड बाय वंस ओन एडवांटेज या impartial. कोई व्यक्ति impartial होता है तो हम disinterested कह सकते हैं. You can go to him for advice. He look at every problem objectively. He gives disinterested advice. Whereas uninterested की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है not interested. Next word is canard. Canard का मतलब होता है an unfounded rumor or story. कोई rumor या कोई ऐसी story जो सही नहीं है उसके लिए कनाड यूज़ किया जाता है और ये बेसिकली पॉलिटिशियन ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं. एंड अगर मैं बात करूँ कनाड की तो इट्स अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन र्यूमर. र्यूमर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एब्लुएंट. एब्लुएंट का मतलब होता है जॉयसली या अनरिस्ट्रेंट. That's very much important. So that's all for today. I hope आपको ये current affairs पसंद आए होंगे. Please like, share, subscribe and follow us on Instagram. Thank you so much.